सही जा रहा है। चलो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल, क्लियर क्लियर, ओके। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम अंकित, आई वेलकम यू इन द न्यू टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न था, काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा कि भैया हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, बट स्टिल हम लोगों को अभी डाउट है कि हम लोग डिफरेंस नहीं बता पा रहे। सो इन दिस लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वॉट इज डिस्टेंस, अनमोल कैन यू रिकैप डिस्टेंस का मीन्स? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट डिस्टेंस, आगे बताइए और अगला डिफरेंस। डिस्टेंस हुआ, ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट, और कोई डिफरेंस इसके अलावा? पहला डिस्टेंस आपने बता दी स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस इज दी वेक्टर, इट फॉलो द वेक्टर लॉ। ये कैसा लॉ फॉलो करती है, इसमें कैसे रूल अप्लाई करते हैं? एलजेब्रिकली, एलजेब्रिक लॉ, एलजेब्रिक, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हम लॉ करते हैं, जैसे जोड़ घटाव करते हैं ना बचपन में आप लोग, किया होगा सेम वे। क्लियर? वेक्टर में क्या होता है, दीज फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। हम लोग किसका यूज़ करते हैं? ट्राइंगल लॉ का। मैंने बताया ना दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए उसकी डायरेक्शन। क्लियर? तो वेक्टर में कैसे ऐड करेंगे, वी विल फॉलो द व्हाट, वेक्टर्स लॉ, वेक्टर लॉ, वेक्टर लॉ फॉलो करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था फॉर एग्जाम्पल डेट इज ट्राइंगल लॉ, एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने ट्राइंगल लॉ को आपको, ट्राइंगल लॉ, और कौन सा बताया था, पैरेलोग्राम लॉ, कई सारे लॉ बताए मैंने। क्लियर? वेक्टर का मीन्स ही बताया, और कोई डिफरेंस आपको बताओ? जैसे कि हम कोई बिंदु हमारा yes. ओ से ए गए, ओ से ए गए, ओके, ए से पी गए, तो ए से पी गए, इनके जो बिटवीन जो इनके बीच की दूरी होगी वो हमें एडिशन करेंगे, बट ओ से अगर ओ आए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ओ से कहाँ आए, ए, अच्छा ओ से पी ओ गए, ए से पी गए, पी से ओ पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल एब्सोल्युटली राइट। तो आपका जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ दी पाथ। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल। क्लियर? अब देखिए मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछूंगा, यू नीड टू टेल, कैन आई रफ। अब मुझे बताइए अनमोल, पहला डाउट तो मेरा आपसे ही है, अगर मेरा कोई पार्टिकल है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आप ही को जवाब देना है, नो अदर स्टूडेंट विल स्पीक, ओके। यहाँ से हम लोग चले, मेरा पार्टिकल ओ पॉइंट से चला, ये सेंटर है सर्कल का, पी पॉइंट से चला, क्लियर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, आई एम आस्किंग यू, पी से चला कोई पार्टिकल और यहाँ पहुँचा ए पर, तो अनमोल आप बताइए कि इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट चला, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। चलिए बहुत कठिन क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे, ये बताइए कि पार्टिकल पी से चला और वापस पी पे आ गया, yes. तो कितना डिस्प्लेसमेंट चला? जीरो चला। वेरी गुड। कितना डिस्टेंस चला? जीरो। गलत। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, डिस्टेंस ही। डिस्टेंस कितना होगा? थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कफ हो रहा है, सॉरी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, अभी आपने थोड़ा डेफिनेशन को पकड़ा नहीं, पार्टिकल ऐसे चला, ठीक है, ओ पॉइंट, ये पी पॉइंट है, पी से चला पार्टिकल और आपका कहाँ गया, इट कम्स टू द सेम पॉइंट,
तो मैंने क्या बताया था आपको, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चला, ये इसका पाथ हुआ ना अनमोल। तो मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस क्या है, इट इज़ अ टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। और सर्किल में जो पाथ की लेंथ किससे डिनोट होती है, उसके पेरीमीटर से। तो आप बता सकते हैं पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, दिस इज आर, 2πr होता है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है अनमोल, 2πr नहीं होगा, तो डिस्टेंस क्या हो गया 2πr। यहाँ से चला तो देखिए सर्कल का जो इसका जो पाथ होगा वो सर्कल के पैरामीटर के इक्वल तो होगा ना, तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr। क्लियर। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, सेकंड क्वेश्चन, जस्ट गिव मी द फ्यू सेकंड, जस्ट टेल मी, ये मेरा सर्किल है, क्लियर। यस। और टेल मी वन थिंग, अगर मेरा ये सेंटर ये ओ है और मेरा पार्टिकल पी से चला, यहाँ से वो पहुँच गया इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे, यहाँ आ गया ए पॉइंट पे, ए डैश, ये यहाँ से चला और यहाँ आ गया, और सर्किल का रेडियस है आर, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैन यू टेल मी। इसका डिस्टेंस हुआ जो पाई हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ, पाई 180 डिग्री चलाए है अभी तक। ओके 180 डिग्री चलाए। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट देखो देखो अनमोल, चीज़ों को अच्छे से समझो। नाउ सी द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पी टू ए, ठीक है, तो इसने पाथ यही तो चला, यही तो पाथ हुआ उसका, यही तो पाथ हुआ, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है इस पाथ की लेंथ, आपने 180 सही बताया, 360 डिग्री में कितना चलता है पार्टिकल, यानी कि 2πr चलता है, पैरामीटर के इक्वल, एक चक्कर से लगाया था 2πr चला ना, तो 180 डिग्री आपने सही बोला कि 180 डिग्री बना कवर करा, तो कितना चलेगा 2πr 180 डिवाइड बाई, कैंसिल आउट कितना हो गया, πr नहीं हो गया, बताइए डिस्टेंस कितना आएगा, πr, ठीक है। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इनिशियल पोजीशन तो ये थी ना, फाइनल ये थी, क्लियर। अब देखिए इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही तो है, दिस इज, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल फाइनल के बीच में। नाउ टेल मी वन थिंग, ए डैश पी कितना होगा, यही तो डिस्टेंस है, ये आर है तो ये भी आर होगा, तो टू आर हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2R, क्लियर। कोई पूछे अगर मेरा पार्टिकल ऐसे ना चल के, अगर मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, माय क्वेश्चन इज दैट लेट अस सपोज दिस इज द सर्किल, क्लियर, एंड दिस इज सेंटर ऑफ द सर्किल एंड दिस इज द रेडियस R। नाउ आई एम आस्किंग यू, मेरा पार्टिकल P से कहाँ गया, यहाँ आ गया, राइट एंगल ट्रेवल करा, ए ट्रिपल डैश डबल डैश। अब मुझे बताइए अनमोल, टेल मी वॉट इज़ द डिस्टेंस एंड वॉट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, एंड अदर स्टूडेंट प्लीज़ बताइए, आप लोग ही बताइए कितना डिस्टेंस कवर है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखिए पहला इनिशियल को फाइनल को पहचानना सीखे, इनिशियल हो गया फाइनल हो गया, शॉर्टर डिस्टेंस क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया तो डिस्टेंस तो ये हो गया ना, पाथ कितना कवर करा, यही तो होगा डिस्टेंस, पाथ यही तो हुआ यहाँ से यहाँ तक गया, इसमें कोई डाउट, तो इसी पाथ की जो कितना चला, इस पाथ की जो लेंथ है वो क्या होगी, डिस्टेंस, तो बता सकते हो कितना पाथ हुआ है यहाँ से यहाँ तक, कितनी दूरी हुई, 90 का चला है ना, अब बताओ 360 में कितना चल रहा था 2πr, तो 90 में कितना चलेगा, नहीं 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 2πr पूरा चला, उसका आधा कर दिया यहाँ से यहाँ तक, πr का फिर और आधा होगा, πr बाई टू, वेरी गुड,
तो कितना पाथ हुआ, पाई आर बाई टू, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। क्लियर? आप कोई पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये पी पॉइंट है, ये ए डैश है, ए डबल डैश। मैंने क्या बोला था कि इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट तो यही होगा ना पाथ, सबसे छोटा पाथ यही तो होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो लॉन्गेस्ट पाथ है, मतलब डिस्टेंस हुआ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, डेट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा ए डबल डैश पी। बता सकते हैं कितना होगा ये, अगर आ रहे वो कितना होगा, कैन यू टेल मी? पाइथागोरस थ्योरम आती है, yes. तो लगाओ इसमें 90 का डिग्री दिख रहा है आपको, ये 90 का एंगल है। क्लियर? तो देखिए ये आर हुआ, ये आर हुआ, तो ए डबल डैश पी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? yes. भूल गए थे, याद आ गया? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होगा, टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ए डबल डैश पी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू आर, यानी इतना क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो किसी को कोई डाउट अभी तक? देखो पाथ समराइज कर रहा हूँ फिर से, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, वाइल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। क्लियर? क्लियर हुआ आपको? ओके, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।